एसके सोनू ब्लॉग्स। अरे एसके भैया आप ही हैं क्या? हाँ जी, बिग फैन भैया। थैंक यू। इधर वाराणसी में कैसे? मैं केदारनाथ निकल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, एक फोटो लेगी? हाँ, सियो सियो। हाँ जी, आपको मैंने पीछे देखा था, फ्रंट कैमरा थोड़ा बेकार है। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। आज है हमारी ट्रिप का दूसरा दिन, और यार पहला दिन में मेरा हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, आगे न जाने क्या क्या होने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है, हमें आइडिया नहीं था, और अभी भी आपको चेहरे में काफ़ी ज़्यादा थकावट दिख रही होगी। बाय द वे, अभी हम रेडी हैं निकलने के लिए, और यहाँ से हम निकल जाएंगे। हालांकि निकलने का प्लान सुबह 5 बजे ही था, लेकिन प्लान पोस्टपोन करने का रीज़न हो गया कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। जो केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करवाया था। हालांकि अभी भी बाइक पार्किंग वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं हो पाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से होगा, लेकिन मैं आज शाम में जब रुकूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कैसे करना है। और बाकी रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट है, और अभी हमें जाना है बाइक लाने। हालांकि मैं जहाँ पे अभी रहा था, जहाँ पे रूम लिया था, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ बनारस में मैंने 4-5 होटल में पूछा, वहाँ भी वही हाल है। उन्होंने बोला कि यार अगर आपको बाइक पार्क करनी है तो आप रोड पे पार्क कर दो, मैं आपको मोटी चेन दे दूँगा, बांध दो, कोई इशू नहीं है। तो वो सेफ नहीं है। तो मैंने फिर शशांक भैया और अमर भैया को बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको बाइक पार्क करवा देता हूँ। तो मैंने उन्हें के थ्रू बाइक को पार्क करवाया था। तो अभी जाना है बाइक लाने, बाइक लाकर फटाफट सब सामान को लोड करने हैं, लोड करके निकलना है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में, और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो वापस से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सके। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं ब्लॉगिंग अंडरस्कोर वर्ल्ड, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैं आपको अगर अपने होटल के बाहर का नज़ारा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है। कल हमने सफ़र किया था 307 किलोमीटर टोटल होटल आने तक, और वापस से ट्रिप को कर लेता हूँ जीरो। और मैंने नेविगेशन तो लगा दिया है लखनऊ के लिए, यहाँ से निकलते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। बस ये राइड अच्छे से हो जाए, इसके बाद वापस से आना है बनारस में। काशी विश्वनाथ का मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया है। एक्चुअली कल शाम में काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, तो प्लान हो नहीं पाया था, और आज सुबह सुबह हम इधर के लिए निकल पड़े हैं। सुबह समय हो चुका है 7:25, लगभग 5:30 बजे का, 5.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगते हैं, एक बार बस बनारस सिटी से निकल जाओ, इसके बाद कहीं पर रुक के नाश्ता वगैरह कर लेना है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पास से वही गुजर रहा हूँ। जितना ज़्यादा ट्रैफिक यार हमें कल नहीं मिला था, उससे ज़्यादा ट्रैफिक हमें आज सुबह 7:30 बजे मिला। रीज़न था कि बगल में दोनों साइड रोड के दोनों साइड में यार बाज़ार लगा हुआ था। अब भी 7:37 हो रहा है, अभी का मैं टेम्परेचर की बात करूँ यार 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब भी है। आप समझ सकते हैं इतना सुबह में बनारस में क्या गर्मी होता होगा भाई साहब, वो तो दिन में रहने के बाद ही एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। फिलहाल आगे हमें जाना है वाराणसी कैंट ओवर ब्रिज से गुजरते हुए। मतलब मुश्किल से मैं 3 से 4 किलोमीटर निकला हूँ, और उतना में पसीना से हालत ख़राब हो चुका है। अगर आप बाइक ट्रेन आते हैं तो आपको यहीं पे उतरना होता है वाराणसी स्टेशन में, और यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, अप्रोक्स 6-7 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है जहाँ से मैं आया हूँ, और वहाँ से गंगा आरती का डिस्टेंस मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है। यानी कि अगर आप स्टेशन से गंगा आरती की ओर जाना चाहते हैं तो लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर, और आप गंगा आरती जाकर देख सकते हैं। मैं तो यार कल होटल ढूंढने के चक्कर में मिस कर दिया। होटल हमें मिल रहे थे, लेकिन वही इशू था कि पार्किंग नहीं मिल रहा था। लास्ट फिर वही हुआ कि बिना पार्किंग का हमें होटल लेना पड़ा, और कहीं और जाकर गाड़ी को पार्क करना पड़ा। अगर ये काम मैं पहले कर लेता तो यार कल मैं गंगा आरती देख लेता। खैर,
कोई इशू नहीं है, गंगा माँ से यही प्रार्थना है कि बस वापस आए टाइम यार, दर्शन हो जाए माता का अच्छे से, गंगा आरती का दर्शन हो जाए, काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन हो जाए। हाँ जी, हाँ एस के सोनू ब्लॉग्स। अरे एस के भैया आप ही हैं क्या? हाँ जी, फैन भैया। थैंक यू। इधर वाराणसी में कैसे? मैं केदारनाथ निकल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, एक फोटो देगी? हाँ आपको मैंने पीछे देखा था, फ्रंट कैमरा थोड़ा बेकार है। चलिए थैंक यू। थैंक यू भैया, चलिए मिलते हैं जी। लखनऊ सीधा यहाँ से ना? हाँ यहाँ से नहीं जाएंगे सीधे। तो भाई चलो रिफ्यूल करा लेते हैं। कल मैंने कराया था डाल्टेगंज में सगालमी के पास में, टैंक फुल, इसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ सीधा। कार्ड हो जाएगा ना? कार्ड तो फाइनली हम रिफ्यूल करा के निकल चुके हैं यहाँ से। कल हमने जो तेल लिया था वो अप्रॉक्स 995 रुपये या 997 रुपये का था। आज जो हमने तेल लिया वो 1095 का था। यार गाड़ी का माइलेज 330 किलोमीटर लगभग 14 इधर, यानी 303 उधर था, 14 इधर है, यानी 317 किलोमीटर के आसपास हम चले हैं। और यार अप्रॉक्स 11-12 लीटर तेल चल गया है। चलो कोई नहीं, राइड पे निकल चुका है। यार इतना विश्वास है कि आप सभी यार इतना सपोर्ट करोगे कि हमें तेल के लिए सोचना ही नहीं है। बाय द वे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को वापस सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो को आप मिस ना कर सके। वंस अगेन आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज को यार इतना प्यार दो कि मैं जितना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ यार, जितना मैंने सोच के नहीं रखा है उतना ज़्यादा प्यार दो आप लोग ने। तो फाइनली दोस्तों अभी हम रुके हुए थे एक स्थान पे, बोलते हैं इसे पिंडरा बाईपास। तो हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, तो फिलहाल यार चाय पी के यहाँ से निकलने वाले हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि यही हाईवे हमें लखनऊ तक मिलेगा, यही अच्छा रोड रहेगा, तो यार कोई इशू है नहीं, काफ़ी आसानी से हम पहुँच जाएँगे। आगे चलते हैं फिर, कहीं अच्छा सा ढाबा देख के रुका जाएगा नाश्ता करने के लिए। एड्रेस है बिच्छू बाबा, पिंडरा बाईपास। सब लोग यहीं पे रुके हुए थे अभी। जौनपुर से यार थोड़ा सा आगे बढ़े थे, आगे में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पिकअप वैन है जो देख सकते हैं गाड़ी का हालत, भाई साहब ये तो मतलब कहा नहीं जा सकता है कि ड्राइवर बचा भी होगा या नहीं, भगवान ही जाने। मुर्गी लेके जाने वाला गाड़ी है, जो पोल्ट्री फॉर्म में जो गाड़ी चलती है वही गाड़ी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसका हालत हुआ है ना यार, प्लीज़ सेफ ड्राइविंग। आई डोंट नो कि ये कैसे एक्सीडेंट हुआ, चूँकि हमारे सामने तो हुआ नहीं है, लेकिन यार अगर आप पी के ड्राइविंग करते हैं तो यार उस पर कम से कम रोक लगाइए, या फिर आप लंबे दूरी पर चल रहे हैं तो यार रुक रुक के चलो, चूँकि आप समझ सकते हैं नींद आने लगे तो यार मतलब हमारी जो राइड होती है, राइड में अगर बात किया जाए या फिर ड्राइविंग में बात किया जाए तो तीन ही चीज़ जो होता है जो राइड या ड्राइविंग का दुश्मन होता है, नशा, नींद और तेज गति। ये तीन चीज़ पे कंट्रोल कर लो ना यार तो राइड काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है, और ये तीन चीज़ पे कंट्रोल करना ही चाहिए। फिलहाल हमें दिख गया एक ढाबा, तो चलते हैं ढाबे में और कुछ खा लेते हैं, चूँकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है भाई और 10 बज गया है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या खाने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों आगे आने के बाद हमें मिला एक ढाबा, और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जगह जो है ये बदलापुर है, तो सर चलो यहाँ पे रुक के नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि 10:30 हो चुके थे, तो मैं सोचा कि टाइम पे नाश्ता कर लो यार, मतलब टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 डिग्री टेम्परेचर है अभी, इतना ज़्यादा गर्मी में राइड करना है तो
एक ठंडा बनता है। फिलहाल मैं रोटी और दाल तड़का खा लिया हूँ, इसके बाद में ये ठंडा पी रहा हूँ। इसका चलते आगे की ओर, आगे चल के दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो। चलो मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में। हर हर महादेव। फिलहाल बदलापुर से हम नाश्ता करके निकल चुके हैं और हमने यार अप्रॉक्स 44 मिनट का ब्रेक यहाँ पे ले लिया। 10 बजे के आसपास हम यहाँ पे आ चुके थे और अभी समय हो चुका है 10:44। लखनऊ की डिस्टेंस की बात करें तो यार 194 किलोमीटर भी और बचे हुए हैं गूगल मैप के अनुसार 2:26 पे। पहले से हम टाइम पे थे कि 1:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 2:30 तक, यानी कि 1 घंटा जो मैंने यहाँ पे डिले किया वो 1 घंटा मेरे रास्ते में डिले होने वाला है। आई होप कि यार समय मैनेज हो जाए, मेकअप हो जाए, लेकिन फिर भी आराम आराम से चलने हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। चूँकि यार ये रूट जो है ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस रूट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर भी हमें उम्मीद है कि यार ये जर्नी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ये रेलवे ट्रैक क्रॉस किया है। और दोस्तों अभी भी हम हैं लखनऊ से 150 किलोमीटर पीछे। गर्मी इतना ज़्यादा है यार कि ब्रेक लेना पड़ा। अभी समय हो गया 11:35। 11 बजे मैं निकला था बदलापुर से खाना खाकर, लेकिन आगे आने के बाद चला नहीं गया। और अगर मैं बात करूँ बाइक के अनुसार तो बाइक के अनुसार यार टेम्परेचर 44 डिग्री है अभी। आपको मैं अगर धूप दिखा दूँ चला जा रहा है, पेड़ के नीचे छाया में रुका हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। तो हालत यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड में, थोड़ा देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। और अभी हम रुके हुए थे धरौली में, धरौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यार 125 किलोमीटर या 14 किलोमीटर के आसपास है। तो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से बचा नहीं है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी, चूँकि पिछला 10-15 मिनट से हम आराम कर रहे थे यहाँ पे। और नेविगेशन भी सेट कर लेता हूँ, चूँकि कहाँ से रास्ता किधर कट जा रहा है ये जानना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लखनऊ यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है, तो हमें उम्मीद है यार हम टाइम पे पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाके हमें लेने हैं होटल, और होटल लेने के बाद चलना है डीकैथलॉन की तरफ। डीकैथलॉन चल के टेंट वगैरह लेना है, चूँकि यार अभी मैं सिर्फ स्लीपिंग बैग और सडल बैग वगैरह सारा सामान लेकर निकला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टेंट है नहीं, तो कैंपिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है। और होटल लेकर आना यार कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि होटल में जाकर रुकना, होटल लेकर आना, आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा महंगा है। डेली का 800-900 रुपये डेली का होटल का लग रहा है अभी, तो यार ज़्यादा कॉस्टली जा रहा है, बजट से बाहर होता जा रहा है। तो कैंपिंग बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो का आप यहाँ तक देख चुके हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है यार नए नए वीडियो बनाने के लिए। और आप में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट जो है वो अच्छा लगा, वीडियो में हमें क्या और सुधार करना चाहिए, सारी चीज़ आप में कमेंट कीजिएगा। पीछे में बोर्ड लगा हुआ था लखनऊ 109 किलोमीटर, तो बस ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, बहुत जल्द हम पहुँच जाने वाले हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में। मैं आपको अपने होटल रूम का एक टूर दिखाता हूँ और इसके बाद फिर हम निकलने वाले अभी डीकैथलॉन की ओर। और मैंने ये वीडियो बुक किया है यार चूँकि रीज़न था कि बाइक चलाने एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है और ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं, तो मैंने सोचा चलो
यहाँ से बुला लेते हैं हम रैपिडो, और रैपिडो से ही चले जाते हैं, और डीकैथलॉन जाके टेंट वगैरह लेके आना है। तो चलिए एक बार रूम टूर कराते हैं, और रूम टूर करके आपको दिखाते हैं रूम का नज़ारा क्या है। ये है कुछ ऐसा नज़ारा।